खरगोन जिले के महेश्वर अस्पताल में सफाई कर्मियों को विगत 9 माह से वेतन नहीं मिला, जिसकी शिकायत को लेकर कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने बताया कि पहले हमें NHM की रोगी कल्याण समिति से सुचारू वेतन मिल रहा था, लेकिन ठेका पद्धति होने से 9 माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ, जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। वहीं रूबरू कर्मचारियों से मांग की है कि पूर्व की तरह वेतन व्यवस्था को सुचारू किया जाए, जिससे परिवार के लालन पालन में असुविधा न हो। बहरहाल स्थिति को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट हुई कि कोरोना महामारी के चलते मौत के मुंह में काम करने वाले सफाई कर्मचारी दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज दिख रहा है, जो बड़ी ही चिंता का विषय माना जा रहा है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। 9 महीने से काम कर रहे हैं चोरी के कर्ताओं में बहुत सारे जने 9 जने हम तो हमको 14 जने सॉरी तो हमको 9 महीने से 2 महीने का वेतन मिला है बस, और उसके बाद में गाइडलाइन के हिसाब से वेतन नहीं दिया। पहले NRHM में थे, उसके बाद में हमको ठेके पद्धति पर और 10 साल से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमको मार्च में इन्होंने ये आदेश दिया निकालने का, उसके बाद जिस PSC पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर ना वार्ड बॉय की पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग हमने वहाँ पर काम किया है। क्या कहना चाहिए, क्या मांगे हमारी मांगे जो 8,500 रुपये होंगे NRHM से मिलते थे वही मिलना। जैसे हम पहले हमको 8,500 मिलते थे NRHM से रोगी कल्याण से, तो वही हमारी मांग है हमको 8,500 की वेतन मिलना चाहिए। Subscribe now to most exciting channel ever.